नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। कोरोना महामारी के चलते इन दिनों देश भर में लॉकडाउन है और 3 मई के बाद जब लॉकडाउन खत्म होगा तो आपको कई मूलभूत सुविधाओं में परिवर्तन देखने को मिलेगा। जैसा कि भारतीय रेल की यात्री रेलें जब चलना शुरू होंगे तो बिल्कुल एयरपोर्ट जैसा ही माहौल होगा। रेल यात्री को 4 घंटे पहले रेलवे स्टेशन पर पहुंचना होगा, उसके बाद उसे विभिन्न सिक्योरिटी पॉइंटों से गुजार करके उसके कोच तक छोड़ा जाएगा। और आज उसकी मॉकड्रिल जबलपुर रेलवे स्टेशन पर की गई। क्या है पूरी रिपोर्ट, आइए देखते हैं खबरदार न्यूज की इस स्पेशल रिपोर्ट में। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। सुरक्षा बल पश्चिम मध्य रेल जबलपुर कोच द्वारा संभावित यात्री ट्रेनों के प्रारंभ होने के विषय को लेकर आज रेकी की गई, जिसके अंतर्गत टिकट लेने के पश्चात इस लाल घेरे में पैसेंजर खड़े होंगे। इनके खड़े होने के पश्चात प्रवेश द्वार पर रेड कोन पे 1-1 मीटर की दूरी के डिस्टेंस पर सभी पैसेंजर खड़े होंगे। बराबर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए खड़े हैं। बैगेज केंद्र के पास जो है इनका बैग चेक होगा। यहाँ पर स्टाफ बैग चेक होने के बाद प्रॉपर डिस्टेंसिंग में खड़े होंगे। खड़े होने के पश्चात बैग स्कैन करने के पश्चात यहाँ मेन गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर पहले सैनिटाइज कराया जाएगा। सैनिटाइज कराने के पश्चात थर्मल स्क्रीनिंग होगी, इनका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। बाद यहाँ से इनको जो है अपने अपने कोच में रवाना किया जाएगा। द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें।